अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट, मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 20 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मल्टीपल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से होगा। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्गोरिदम की तरफ जाना है। एल्गोरिदम होगा इन दिस मेथड वी यूज मल्टीपल कंस्ट्रेंट एंड मल्टीपल वेरिएबल्स। जो प्रीवियस टॉपिक किया था वो सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए था, उसमें ओनली वन कंस्ट्रेंट था और जस्ट ओनली ऑन टू वेरिएबल्स कंटेन कर रहे थे, ठीक है। तो कंसीडर द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो मैक्सिमाइज जो फंक्शन के लिए होगा वो मल्टीपल वेरिएबल्स की फॉर्मेशन में हम कुछ ही सेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जर्नलाइजेशन में मैंने ऑप्टेन किया है, एप्लीकेशन में जस्ट थ्री वेरिएबल्स मैंने इंक्लूड करवाने होंगे। तो ये इन्फिनिट मैनी है, रिकमेंडेड फाइनाइट फॉर्म में दी हुई है मैंने एन टाइम्स के लिए, ठीक है। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू सो ऑन xn। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो होंगे तो वो भी कह लेंगे मल्टीपल फॉर्म में, हम कह सकते हैं आई इसमें वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू n, और ये वेरिएबल्स जो कंटेन करवाए हुए हैं वो 1 टू n फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको सीन कर रहे हैं और ये इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। जैसे सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन था उसको भी ये 0 के इक्वल फॉर्म में लिखा हुआ था। तो वेयर f ऑफ x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn इज डील ओनली फॉर मैक्सिमम प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रीवियस में भी मैंने यही बात कही थी, फंक्शन आपका मैक्सिमम फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ऐसा ना हो, इफ़ अवर क्वेश्चन डिमांड इज इन मिनिमम, देन वी कन्वर्ट इट इन टू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम टू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आफ्टर दिस वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स, तो इसके बाद आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिस पर आपका मल्टीपल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन अजम्पशन के लिहाज से रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। तो ये है कि राइट द लैग्रांजियन मेथड आपने फॉलो करना होगा, आपने उसका फॉर्मूला राइट करना है, ठीक है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो एल ऑफ एक्स वन, एक्स टू, अप टू सो ऑन एक्स एन, और जो लेमडा की वैल्यू होगी लेमडा आई, यानी कि अगर आपके पास कंस्टेंट टू होंगे, फर्ज करें जी वन जी टू, तो लेमडा उसके लिहाज से वेरी करेगा। अगर टू कंस्टेंट है तो जस्ट लेमडा वन लेमडा टू आएगा, अगर थ्री कंस्टेंट है तो फिर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री आएगा, ठीक है। और ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस समेशन की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट का एक रूल होगा, समेशन आई वेरी फ्रॉम वन टू एन लेमडा आई जी आई ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन, ठीक है। ये इसका ना एक लैग्रांजियन एक्सप्रेशन की रूल की अजम्पशन को ये अवेल करेगा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इसका है, आफ्टर दिस वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एल। पार्शियल डेरिवेटिव आपने एल के फाइंड करने होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन एंड लेमडा आई, वेयर आई वेरी फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। तो ये जर्नलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बात बताई गई है कि इन्फिनिट मैनी आपके पास वेरिएबल्स कंटेन हो तब भी आप उसके पार्शियल डेरिवेटिव शो अप कर सकते हो, बट आपको रिकमेंड किया जाएगा फाइनाइट केस के लिए, ठीक है। और जो आई होगा वो वेरी फ्रॉम फाइनाइट केस के लिए होगा, अगर थ्री वेरिएबल है तो आई वेरी फ्रॉम वन टू थ्री, ठीक है। अगर फोर वेरिएबल है आई वेरी फ्रॉम वन टू फोर, ठीक है। तो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, आफ्टर दिस वी पुट इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव हो गए उनको आपने जीरो के इक्वल कर देना है, यानी कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स वन इक्वल टू जीरो, सिमिलरली पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स टू इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली आपने लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री अप टू सो ऑन लैम्डा एन के पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जो इनके फॉर्मेशन है ना एल के अकॉर्डिंग, उनको भी जीरो के रिकमेंडेड आपने कर देना है, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं जीरो के इक्वल करने के बाद। फिर आपने वहां से उनके पॉइंट्स को फाइंड करना होता है, एंड देन हेयर वी फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स एन, ठीक है, अप टू सो ऑन एक्स एन एंड सिमिलरली लेमडा वन, लेमडा टू, अप टू सो ऑन लेमडा एन, इनको आपने वहां से गेट करना होगा, ठीक है। ये जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बात बताई जा रही है। तो फोर्थ स्टेप इसका है, इसके स्टेशनरी पॉइंट्स की तरफ हमने चलना होता है, राइट द स्टेशनरी पॉइंट्स इन द सेंस ऑफ एक्स वन, एक्स टू, अप टू सो ऑन एक्स एन एंड लेमडा वन, लेमडा टू, अप टू सो ऑन लेमडा एन, ठीक है। हमने मतलब इनके जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं उनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में, जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उनके अंदर उसको क्लोज करना होता है, ठीक है, बाउंडेड करवाने के लिए। तो वो इसकी कुछ इस सेंस में रिकमेंडेशन आ जाएगी।
तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जब स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल जाएगा, फिर आपने फिफ्थ स्टेप में ये करना है, फिफ्थ स्टेप में पांचवा स्टेप इसका होगा कि आफ्टर दिस वी पुटिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स इन गिवन फंक्शन, जो आपका गिवन फंक्शन होगा उसके अंदर आपने स्टेशनरी पॉइंट्स को वहाँ पे पुट कर देंगे। तो वी ऑब्जर्व डैट, वहाँ से आप ये मुशाहदा करेंगे अवर गिवन फंक्शन इज़ लोकल मैक्सिमा आर लोकल मिनिमा आर सैडल। ठीक है, जस्ट ये इसका एल्गोरिदम है, ये बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप पे फॉलो होगा जो आपने सिंगल कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया था। तो आई होप ऑल डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं आज आपको इसकी एप्लीकेशन भी करवाऊंगा, तो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपने उसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करवाना था, और नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का आज के ही लेक्चर में, वो होगा इसकी एप्लीकेशन, यानी कि मल्टीपल कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन विद एप्लीकेशन फॉर्मेशन। ठीक है, ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।